पहले बताएं, चार जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? चार जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो बात वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? तो भाई जान मेरा भी बात सुन लो ना, तुम हमारा को भी टेम दियो ना। ये बैलेंसिंग एक्ट है, ठीक है। ये बैलेंसिंग एक्ट है कि जैसे बैलेंस कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया बैलेंस कर रहे हैं, मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया गालिबन एक इस तरह का नारा नरेंद्र मोदी साहब का, तो वो क्यों लगाते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भाई हमारी डिपेंडेंसी अपनी चीजों के ऊपर हो। एलएनजी के जहाज नहीं मिले, जुलाई में लोड शेडिंग बढ़ेगी। शहबाज शरीफ ने आवाम को बुरी खबर सुना दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से खिताब करते हुए कहा, सारी एलएनजी यूरोप ने खरीद ली, हमें नहीं दी गई, आईएमएफ ने कड़ी शराइत रखी है। आज अगर वो $77 बिलियन का, जितना हमारा टोटल मुल्क का बजट है, उतने का वो वेपन खरीद सकता है या उनका डिफेंस बजट वो अलाउ करता है। कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है, पहले जो चार दफा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफा हमने उन्हें बता सके? हमने F-16 लिए और हमारे F-16 के ऊपर ये बैन है कि आप इसको हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके जो जयशंकर है उनका कमाल ये, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, बाज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि वेस्ट भारत के मिलिट्री बिल्टअप को पूरी तरह से बैक कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज भारत को अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए उसकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन भारत की बढ़ती हुई ताकत देख काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर चीन ने पाकिस्तान में अपनी सिक्योरिटी खुद की तो पाकिस्तान को चीन की कॉलोनी मान लिया जाएगा। पहले ही हम चीन के कर्जों तले दबे बैठे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो F-16 इस्तेमाल करता है वो भी उसके अपने नहीं है। अमेरिका की मर्जी के बिना वो भारत पर इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी दुख को लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी चिंता में दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुक्म जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं, 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 नहीं मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब हमारी हुकूमत पावर में नहीं, तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते? मुकाबला हम कर सकते हैं, हमारा आवाम 22 करोड़ आवाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी 22 करोड़ आवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ आवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाई जान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? देखा तो नहीं, सुने तो उसमें जीत किसके हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है, हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाई जान, जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हम अच्छा, हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं चार जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? चार जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शख्स किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाई जान मेरा भी बात सुन लो ना, तुम हमारा को भी टेम दियो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में कहाया था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में कहाया था? नवाज शरीफ की दौर था, ठीक है, मुशर्रफ हमारे जनरल थी। कि वेस्ट जो है वो हिंदुस्तान को मुख्तलिफ चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है, और हमने यकीनन देखा जब क्वाड हुआ और एक जिसे कहते हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो सिस्टम है हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान, और उन्होंने कहा कि सैटेलाइट का जो सिस्टम वो है सिक्योरिटी के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी भी शेयरिंग हम लोग करेंगे हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका हिंदुस्तान को बहुत सारी वो चीज़ें दे रहे हैं जो शायद दुनिया में बहुत कम कंट्रीज के साथ वो शेयर करते हैं, जिसमें इजराइल शामिल है, वो इंडिया के साथ कर। अच्छा, पाकिस्तान ये कहता है कि ये हिंदुस्तान ये कहता है कि हम ये चाइना के लिए करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ये कहते हैं ये चाइना के लिए नहीं, हमारे लिए भी। अब यार लाजमी बात है कि अगर आपके साथ उसका डिस्प्यूट है, बॉर्डर इशूज़ हैं, लड़ाई झगड़ा है,
तो वो क्या वो मतलब अगर उसके पास कोई बंदूक है वो कहेगा नहीं यार ये तो चाइनीज की तरफ फायर करेगा लेकिन पाकिस्तान की तरफ फायर नहीं करेगा। ये वो सारी चीजें हैं। हमने F-16 लिए और हमारे F-16 के ऊपर ये बैन है कि आप इसको हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज भी हमारे जहां पे F-16 डिप्लॉय है, हमारे स्क्वाड्रन डिप्लॉयड हैं पाकिस्तान के 2-3 बेसिस पे, वहां पर आज भी अमेरिकन्स मौजूद होते हैं। उस कंपनी के गालिबन मार्टन कंपनी है जो F-16 बनाती है, वो चेक करती है सारा कुछ और वो उसके बाद फिर वो देखती है कि यार इसका कोई और इस्तेमाल तो नहीं है। वॉर ऑन टेरर के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया, वो हमें दिया। अच्छा, अब अगर हिंदुस्तान ऐसे कोई चीज करता है जिस तरह हमारा 2019 में हुआ अभिनंदन वाला मसला या उससे पहले वो जो उन्होंने रात को अटैक किया था खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, तो अगर ऐसी चीज करेगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान कहेगा अच्छा यार ये तो अमेरिका ने हमारे ऊपर पाबंदी लगाई है, अब इस जहाज को तो हम उड़ा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मतलब AK-47 से फायर करेंगे उनके राफेल के ऊपर, या फिर आप उनके मिराज के ऊपर, या फिर तेजास है, या फिर कोई भी जो भी जो फाइटर जेट वो लोग यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे उसके? तो गुलेल से मारेंगे उसको। ये वो चीजें होती हैं सारी कि आप मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर हो या फिर इस तरह की चीजें चले। JF-17 थंडर के बारे में लोग कहते हैं जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, यार द थिंग इज कि कहीं से शुरुआत तो हो, कहीं से कुछ सिस्टम तो चले। हाँ बेहतरी आती जाती है, ये F-16 भी कोई ऐसे तो नहीं बन गया कि एकदम से बन गया और ये Block 52 बन गया और ये सारी टेक्नोलॉजी उसमें आ गई। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को वो जनरल साहब वो बड़ी इंपॉर्टेंट उनके पास एक सीट पे वो बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा या सोचना चाहिए था कि यार हमें कैसे लेके जाना है। तो बजाय इसके कि आज हम खड़े होकर ये बताते हैं कि यार हिंदुस्तान ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी के ऊपर उससे पहले काम किया और उसके बाद वो डिफेंस पे आया। आज अगर वो $77 बिलियन का जितना हमारा टोटल मुल्क का बजट है उतने का वो वेपन खरीद सकता है या उनका डिफेंस बजट वो अलाव करता है, उसके पास में फिर वही बात बार बार दोहराता हूँ कि उनके पास एक जिसे कहते हैं कि एक हैंडसम अमाउंट मौजूद है अपने डिफेंस के ऊपर लगाने के लिए। हमारा वाला सीन नहीं है, हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जी इतने पैसे हमें दे दो, अच्छा जी ये जो डेवलपमेंट है यार छोड़ दो ना, अगर रोड बनना है ना बने, यूनिवर्सिटी बननी है ना बने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है ना बने, HEC से पैसे काट लो, डिफेंस को दे दो। अच्छा आप डिफेंस को तो दे देते हैं, आप बंदूक तो खरीद लेते हैं, लेकिन उस बंदूक को चलाने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए माइंड भी चाहिए, वो फिर आप कहां से लेके आएंगे? मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया गालिबन एक इस तरह का नारा है नरेंद्र मोदी साहब का, तो वो क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भाई हमारी डिपेंडेंसी अपनी चीजों के ऊपर हो, ना कि XYZ। रशिया हालांकि उनको किसी चीज का इनकार नहीं करता, अमेरिका उनको किसी चीज का इनकार नहीं करता, इसराइल उनको किसी चीज का इनकार नहीं करता, यूरोपीय यूनियन नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, हमें अपना सेल्फ सफिशिएंट होना है।